सागर एक मिनट मॉम, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच का रिपीट आ रहा है, एक मिनट। सागर तुमने लाइव मैच तो देख ली, अब रिपीट भी देख रहे हो? बेटा ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है। सागर जी काफी। एक मिनट सागर, बेटा इतनी कॉफी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मही वापस ले ले। मही आज मेरे लिए टिफिन में उंधियो रखा है ना? हाँ हाँ सागर जी। नहीं एक बेटा एक, आज से सागर का ऑयली खाना बंद। सागर देखो अपने आप को, वजन कितना बढ़ गया है ये देखो। हाँ आंटी भाई बोलो। मॉम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। ये मत करो वो मत करो, अरे क्यों नहीं समझती हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। सागर, अरे सागर चल भाई, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो मैं भी तैयारी हूँ। सागर सागर कहाँ जा रहे हो, बाहर कितनी बारिश हो रही है और तुम्हारा रेनकोट कहाँ है? मॉम मेरा रेनकोट खराब हो गया है, नया रेनकोट लेना पड़ेगा। और वैसे भी मॉम अभी तो सिर्फ गाड़ी तक ही जाना है। तो क्या हुआ? एक मिनट छाता लेके जाओ। मही छाता लेके आना, बारिश में भीग जाओगे तो नाक बहने लगेगी। और बचपन में मेरी गोद में आके सर रख के बोलता था, मम्मा मेरी नाक बह रही है, मम्मा मेरी नाक बह रही है। सागर जी ये लीजिए छाता, इससे ना आपकी नाक नहीं बहेगी। एक मिनट एक मिनट। अब क्या हुआ मॉम? गर्म दूध पी के जाओ, सर्दी नहीं होगी। ओके मॉम। कन्हैया लाल दूध लेके आना। हाँ ये लो गरम गरम दूध पियो। मॉम ये दूध मैं पी लो। सागर जी सासू माँ ने कितने प्यार से दूध बनाया है ना, चलो पी लो पी लो। हाँ हाँ सागर भैया पी लीजिए, वरना आपकी नाक। अरे यार इसकी नाक के क्या है, हर बारिश में ओवरफ्लो होती रहती है। ओके ओके मॉम। That's like a good boy. पकड़ एक मिनट, ये ले। चल, जा। ओके? अबे चलो ना। जय अंबे। बाय। अरे सागर, तुम नाक बहते हुए कितने अच्छे लगते होगे ना? अरे वो छोड़, माँ की गोद में यूँ लेटा हूँ। कितना फनी लगता होगा। हाँ ठीक है बस, तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम दोनों की नाक बहती ही नहीं है। नहीं नहीं सागर मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, नाक तो हमारी भी बहती है, लेकिन जब हमारी नाक बहती है तब हम माँ की गोद में सिर रखकर मुझे सर्दी हो गई ये नहीं कहते। ये देख मम्मी ने छाता भी दिया है, मेरा बेटा भीग ना जाए। यतिन अब तुम सागर को कुछ नहीं कहोगे? जी। और वैसे भी सागर की नाक अब थोड़ी ना बहेगी। क्यों भाई? क्योंकि सागर अभी अभी माँ के हाथ का गरम गरम दूध जो पी के है छोटे बेबी की तरह। हो गया आज के तुम दोनों का। नहीं थोड़ा और हंसने देना। अरे अब पूरे दिन यहीं खड़े रह के हैं हैं करते रहोगे कि चलना भी है? चल चल मेरे भाई। अरे रुक मेरे भाई, तेरी बोतल बोतल तो लेते जा। ये क्या है मॉम? स्वेटर है। स्वेटर? तुम्हारे लिए स्वेटर बनाए अभी अभी। नायलॉन का? सागर तुम भी क्या ये सोनिया की तरह बातें कर रहे हो? अरे ये रेनकोट है, तुम्हारा रेनकोट खराब हो गया था ना इसलिए मैं लेके आई। लो पहन के दिखाओ। अरे मॉम यहाँ तो सब लोग खड़े हैं मॉम। तो हाँ तो ठीक है ना, सबके सामने पहनोगे तो सबका ओपिनियन मिलेगा। और शॉर्ट पे ही तो पहनना है सागर। हाँ हाँ सागर जी पहन लीजिए। पर मॉम मैं अभी पहन लीजिए ना सागर जी, लाइए मैं आपका बैग पकड़ लेती हूँ। चल मैं पहनाती हूँ। नहीं नहीं मॉम मैं खुद ही पहन लूंगा। मस्त लग रहा है।
अरे वाह, ये लो ये पैंट भी पहन के दिखाओ। हाँ। पहन के दिखाओ। हाँ। क्या पैसे करो? ए क्या लग रहे हो, हाथ ऊपर करो जरा। ओहो, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। नहीं, क्यूट लग रहे हो। क्या मॉम? बस लग रहा है। आपने इसे पहने ही रखना, वरना तो कल आप फिर बारिश में जाओगे और भीग जाओगे और फिर चीखते रहोगे। देखो इसे, देखो ये गांव की अनपढ़ है, गवार है, वेरा खड़ी की है, चापली है, फिर भी इसे पता चलता है और तुम्हें समझ में नहीं आता। कौन कहाँ है? सागर जी, ये कौओं को भगाने वाले पुतले की तरह क्यों खड़े हो? सुमा गई कब की? पता लग रहा है? मर चुका। आए हाय सागर जी, आप तो क्या मस्त लग रहे थे उसमें। बस करो मई। बस नहीं सागर जी, ये तो आपका बैग है। अरे मई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस करो मेरा मजाक उड़ाना। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या लिया यार? मई, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा अपसेट हो गया था। अच्छा, तुम मुझे कब सेट कर दिया? कब सेट नहीं मई, अपसेट। अब समझ गए ना? तुम्हें पता है मई, मेरे दोस्तों के सामने मॉम ने जिस तरह से मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया है ना, उसकी वजह से वो लोग मुझ पर कितना हंस रहे थे, पता है? कितना मजाक उड़ा रहे थे मेरा। अरे सागर जी, दोस्तों में तो ये सब चलता है, भूल जाओ। अरे मई, पर मॉम भी तो नहीं समझती ना कि सबके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे अब मैं बड़ा हो गया हूं मई। हाँ नहीं, लेकिन सागर जी, वो भी तो आपकी माँ है ना। सागर भैया, मई भाभी, जल्दी चलिए, डिनर के लिए मैडम बुला ली है, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, आइए जी, चले चलो चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मॉम फिर से देर से डिनर पे आने के लिए भी टोक देंगे। चलो सागर भैया। जी भाभी। आप रेनकोट पहन के खाना खाने क्यों नहीं आए? बाहर बारिश हो रही है ना, अगर आप भीग गए तो। बस 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 सोनिया, बातें बाद में, पहले खाना खा लो। सॉरी मॉम। सागर बेटा, yes, ma'am. खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैडमिंटन खेल ले। क्यों मॉम? ये तुम प्लेट में खेल रहे हो ना, प्लेट छोटी है, बाहर जाके खेलना, बड़ी जगह है। सॉरी मॉम। क्या सॉरी बेटा, बचपन से ये तुम्हारी आदत है, अभी तक गई नहीं। सागर बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। मॉम यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। हर बात पे टोकना, हर बात पे रोकना, टीवी इतनी मत देखो, कॉफी मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। अरे मॉम, ऐसा लगता है जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ। अरे बेटा, मुझे तुम्हारी केयर है, आई केयर फॉर यू। अरे मॉम, आपके इस बर्ताव की वजह से लोग कितना हंसते हैं मुझ पर, मालूम है आपको? मॉम मत किया करिए मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट, नहीं चाहिए मुझे आपका केयर, अब मैं बड़ा हो गया हूं मॉम। सागर जी, सागर जी सुनिए,